मेरी जैन और आप देख रहे हैं खबर हंगरी। आइए नजर डालते हैं आज की सुपर फास्ट खबरों पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर तंज कसा है। लोकसभा में सीतारमण के बारे में बोलते हुए अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि आपके लिए सम्मान तो है, लेकिन कभी कभी सोचता हूँ कि आपको निर्मला सीतारमण की जगह निर्मला सीतारमण कहना ठीक होगा कि नहीं। जमीयत उलेमा ए हिंद ने अयोध्या केस में सुनाए गए फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की है। यह याचिका मौलाना सैयद अशद रशीदी की ओर से दायर की गई है, जो अयोध्या मामले में मुस्लिम पक्ष के 10 याचिकाकर्ताओं में से एक है। झारखंड में पहले चरण के मतदान के बाद सभी दलों ने दूसरे चरण के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को सिमडेगा में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। यहां उन्होंने अपने संबोधन के दौरान भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। केंद्र सरकार ने सोमवार को लोकसभा में बताया कि महाराष्ट्र के पीएमसी बैंक के 78% खाता धारकों ने अपना सारा पैसा निकाल लिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन को बताया कि धन निकासी की सीमा अब भी 50,000 रुपए है। हालांकि मेडिकल, आपातकाल, शादी और अन्य गंभीर स्थितियों में खाता धारकों को 1,00,000 रुपए तक निकालने की अनुमति है। पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष जनरल कमर बाजवा को 3 साल का सेवा विस्तार दिए जाने के मुद्दे पर इमरान खान की सरकार उच्चतम न्यायालय में अपनी किरकिरी करवा चुकी है। अब सरकार को सेना के अंदर भी कड़े विरोध का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान की सेना के 7 जनरलों ने बाजवा के सेवा विस्तार पर अदालत के रोक लगाने का समर्थन किया है। देश के सबसे बड़े बैंक ने अपने खाता धारकों के लिए अलर्ट जारी किया है। भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI ने घोषणा की है कि वो अपने कई ATM कम डेबिट कार्ड को 31 दिसंबर के बाद बंद कर देगा। ऐसे में कार्ड को बदलवाने के लिए ग्राहक तुरंत बैंक में संपर्क करें। ऐसा ना होने की स्थिति में अभी चल रहे कार्ड से लेन देन पूरी तरह से बंद हो जाएगा। गो एयर में कॉकपिट क्रू के अनुपलब्धता के कारण 10 विमान देरी से उड़ान भर रहे हैं। यह विमान दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरते हैं। विमानों के देरी से उड़ान भरने के कारण यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हवाई अड्डे के अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण AAI ने केंद्र सरकार से बनारस, अमृतसर, भुवनेश्वर, इंदौर, रायपुर और त्रिची एयरपोर्ट के निजीकरण की सिफारिश की है। एक सरकारी अधिकारी ने यह जानकारी दी। सरकार इससे पहले इस साल फरवरी में सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मॉडल के तहत परिचालन, प्रबंधन और विकास के लिए लखनऊ, अहमदाबाद, जयपुर, मंगलुरु, तिरुवनंतपुरम और गुवाहाटी एयरपोर्ट का निजीकरण कर चुकी है। हिमाचल में रसोई गैस सिलेंडर के दाम 13.5 रुपए बढ़ गए हैं। दिसंबर में उपभोक्ताओं को सिलेंडर लेने के लिए 736.50 रुपए चुकाने पड़ेंगे। होम डिलीवरी के लिए अलग से 50 रुपए चुकाने होंगे। घरेलू उपभोक्ताओं को इस माह कुल 786 रुपए देने होंगे। मध्य प्रदेश में हनी ट्रैप मामले में स्थानीय कारोबारी और एक सांध दैनिक के मालिक जितेंद्र सोनी उर्फ जीतू सोनी के बार से कई लड़कियों और नाबालिग लड़कों को बचाया गया है। साथ ही जीतू, उसके बेटे समेत कुछ अन्य लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए खबर हंगरी के साथ। जनता की बुलंद आवाज़।